23 तारीख में शाम को करीब 6-7 बजे पुरकाजी पुलिस को एक सूचना मिली थी कि 6-7 साल की बच्ची के साथ उसके यौन शोषण का प्रयास किया गया है। उस पर तत्काल पुलिस मौके पर गई थी, बच्ची से उस समय बातचीत की गई थी, लेकिन बच्ची काफ़ी उस समय अपने हाव उसके होश में नहीं थी। इसके बाद वहाँ आसपास, क्योंकि पुरकाजी में काफ़ी सीसीटीवी लगे हुए हैं, जो आसपास के सीसीटीवी हैं उनकी फुटेज देखी गई। उस फुटेज के आधार पर एक फुटेज में एक संदिग्ध आदमी वहाँ ईंट के खेत से निकलता दिखाई दिया, जिसकी पूरे पुरकाजी कस्बे में और वहाँ हाईवे पास से निकलना वहाँ पे छानबीन कराई गई। तो एक संदिग्ध व्यक्ति जो ईंट से निकल रहा था उसके बारे में थोड़ी जानकारी की गई। बाद में और जानकारी की गई तो वो फैजू और फैजान निकलना जो अपराधी था, जो मंगलोर का रहने वाला था, मूल रूप से अपनी रिश्तेदारी में यहाँ आता रहता था, जिसकी सामान्य ख्याति एक ड्रग का सेवन करने वाला है और कहीं भी बैठ के अपना कहीं बर्तन साफ कर लिए, कहीं खाना खा लिया, इस तरह का घुमंतू टाइप था। बाद में उन जो सीसीटीवी फुटेज निकली थी पीड़िता को भी दिखाई गई, जिस पर उसने भी उसे पहचाना और आज उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। तो ये इस पर ये सही है कि जब इसे ड्रग नहीं मिल पाता तो ये फेविकोल, सिलोचन, इस तरह की चीज़ों का भी सेवन कर लेता है, ये उसका आदि है। और इस तरह की पहले भी घटनाएं, जैसा आपने उल्लेख किया है, इस तरह की घटनाएं ड्रगिस्ट के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर वो छोड़ नहीं पाते हैं तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह के जो सामान्य रूप से चीज़ें जो जिनमें कोई ना कोई इस तरह का पदार्थ होता है जिससे नशा हो, उस तरह का सेवन करते हैं, ये भी उस तरह का सेवन करता था। लेकिन इसके पास से तो वर्तमान में भी कुछ ड्रग प्राप्त हुए हैं जिसका अलग से मुकदमा इस पर लिखा जा रहा है। ये बच्ची देखिए, ये ड्रग के नशे में था, ये वहाँ से निकल रहा था, इसके अंदर क्योंकि ये हमारा ये मानना है कि एक मानसिक विकृति भी होती है इस तरह का अपराध करने वाले जो छोटे बच्चों के साथ अपराध करते हैं, ये एक तरह के मानसिक विकृति भी है, ये उसी से त्रस्त होकर इसके मन में कोई गलत भाव आए और उस बच्ची को चाउमीन खिलाने के बहाने से, और इसने ये भी बताया कि मैं उसके भाई का दोस्त हूँ, उसके बहाने इसे जंगल की तरफ ले गया था। मेडिकल रिपोर्ट में क्या है? मेडिकल रिपोर्ट में जिसके मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन उसके जो छेड़छाड़ के प्रयास का उल्लेख उसमें है। तो